जिस औलाद को पाने के लिए एक मां ने 9 माह का इंतजार किया, आज उसी मां ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारने के लिए चंद मिनट भी नहीं लगाए। मां ने अपने राज छिपाने के लिए पहले बेटे को जहर दिया और फिर गला घोटकर उतार दिया मौत के घाट। फिलहाल पुलिस ने मां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ कर दी है। यमुनानगर के कस्बा छदरौली के गांव जैगरी निवासी बबली, जिसने अपनी कोख से बेटे को जन्म देने के लिए 9 माह का इंतजार किया, आज वही बेटा 7 साल का हो गया था। बेटा पैदा होने के बाद मां ने इसका नाम भी बड़े शौक से कन्हैया रखा था, लेकिन बेटा बड़ा होने के बाद भी मां बेटे के सामने ही गैर पुरुषों से मिलती जुलती थी और बेटा इस पूरी बात को घर पर आकर बता देता था। हालांकि इससे पहले भी बबली ने अपने बेटे की जमकर पिटाई की थी, लेकिन मंगलवार को बबली अपने बेटे कन्हैया को लेकर पंचकूला गई थी। घर से गई तो थी बबली दवाई लेने के लिए, लेकिन वहां वह किसी गैर पुरुष के साथ थी। घर आकर कन्हैया ने मां की पूरी बात घर वालों को बता दी, जो कि मां को रास नहीं आए। गुस्से में आकर मां ने कन्हैया को जहरीला पदार्थ खिला दिया और बेटे की तबीयत बिगते ही उसका गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले की जानकारी जब कन्हैया के पिता रणबीर सिंह को लगी तो वह अपने बेटे के शव को उठाकर सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पहुँच गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे को पहले जहर दिया और फिर उसका गला घोटकर उसे मौत के घाट उतर दिया, लेकिन जब पिता शव को उठाए अस्पताल में पहुंचा तो मां भी पीछे पीछे अस्पताल में पहुंच गई। तो वही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर ही पहुंच गई। हालांकि पुलिस को देखते ही मां तो बेसुध हो गई, जिसे अब सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर रखा है। लेकिन वही पुलिस ने आरोपी कलयुगी मां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अब इस जांच में भी जुट गई है कि मां के साथ आखिर कौन व्यक्ति था जिसका नाम सामने आते ही मां ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। सूचना मिली है भी कन्हैया बा उम्र 7 वर्ष सनौते पर पहुंचे, जहां पर कर्णवीर हाजिर मिला, जिसके बयान अंकित किए गए, जिसने अपने बयान में अंकित कराया कि उसकी भाभी जो बबली देवी वाइफ ऑफ धर्मवीर, जिसका चाल चलन ठीक नहीं था, जिसको पहले भी कई बार मतलब के घर के अंदर समझाया भी ऐसा ठीक नहीं है, घर की बदनामी बेइज्जती होती है, जो 2-3 22 को भी वहाँ पंचकूला दवाई लेने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर फिर बाद में वापस घर पर उसके बेटे कन्हैया ने घर पर आकर अपने चाचा रणबीर करणबीर को बतलाया था भी चाचा वहाँ पर कोई आदमी इसको मिला था, जहाँ पर फिर हमने इसने करणबीर ने उसको अपनी भाभी बबली को कहा भी ऐसा ठीक नहीं है, तो उसने उस टाइम भी अपने बेटे कन्हैया के साथ मार पिटाई की थी। और कल फिर मतलब के ये 29-3 भाई को भी ऐसे कोई हादसा हुआ था, जो मतलब के कन्हैया ने अपनी चाची को जाके बतलाया भी चाची मम्मी ने मेरे को कोई जहरीली चीज़ दे दी है और उसको उल्टियां लग रही थी। जैसे फिर थोड़ी देर में पता लगा भी जो बबली ने अपने बेटे कन्हैया को कोई जहरीली चीज़ देकर ही और गला घोट कर जिसको मार दिया है, और जिसकी नाल डेड बॉडी को लेके यहाँ हॉस्पिटल में आए थे, और जो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, जो कर्णवीर के बयान पर मुकदमा दर्ज धारा 302-34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। मृतक की माता जो बबली है उसके खिलाफ है, और उससे अभी तफ्तीश में पता चलेगा भी उसके साथ अन्य कौन व्यक्ति है जिसके साथ उसके गलत नजायज संबंध थे, उनको बाद में कार्रवाई करेंगे। बस उसकी हत्या करी गई जी, गला घोट के बापी को जी समझाते थे जी, गलत काम थे जी, बस समझाते थे जी, हम कहीं थे आज इससे कुछ दवाई लेने गए थे जी पंचकूला, मेरे को बोला चाचा कोई मिला था लड़का तो मम्मी के साथ था। यही कारण है? हाँ। कितनी उम्र है? 8 साल का है।